शादी रितिका की हो रही है, पैसा मम्मी पापा खर्च कर रहे हैं, परेशान तुम क्यों हो रहे हो? लता प्लीज इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, रितिका की शादी जितनी जल्दी हो जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। एक बार उसकी शादी हो गई मतलब वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए गई। अकेली नहीं जाएगी वो इस घर से, आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी पर उसका हक है, लेकर जाएगी वो। भास्कर की शादी में मां पापा ने 20 लाख रुपए खर्च किए थे, इस बार पता नहीं कितना पैसा खर्च करेंगे। रोक सकती हो तुम उनके हाथों को? प्रमोद एक बात पूछो, तुम्हारी परेशानी की वजह यही है या कुछ और? तुम्हें क्या लगता है? रितिका, ऑब्वियसली सबके पीछे रितिका है और उसके पीछे तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम? रितिका कहीं भी जाए कुछ भी करे उससे मुझे क्या लेना देना? इन लोगों ने पेपर में ऐड दे दिया मुझसे पूछे बिना। कल को कोई भी आएगा इस प्रॉपर्टी में, इस बिजनेस में अपना हक जताने लगेगा और तुम मुझ पर शक कर रही हो। हमेशा उल्टा ही सोचती हो तुम। हो सकता है मेरी सोच सही भी हो, लेकिन प्रमोद मैं इस मामले में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं रितिका को अपने हाथों से दोबारा दुल्हन बनाऊंगी और उसे इस घर से विदा करूंगी। बस चुप हो जाओ रितिका, अब तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते बेटा, बस। मम्मी जी आप मुझे खुश भी देखना चाहती हैं और मेरी आंखों में आंसू भी आप ही दे रही हैं। मम्मी जी इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है मेरा, क्यों भेज देना चाहती हैं मुझे यहां से? ये सब हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं रितिका, जिसे मैं बहू के रूप में कितने अरमानों के साथ इस घर में लाई थी उसे बेटी के रूप में विदा करते हुए मुझ पर क्या बीत रही है सिर्फ मैं ही जानती हूं। भास्कर सिर्फ तुम्हारा पति नहीं था, मेरा बेटा भी था जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती हूं। तो फिर मेरे दिल से क्यों निकाल देना चाहती हैं आप भास्कर को? मम्मी जी मैं भास्कर को कभी नहीं भुला सकती, वही मेरे सब कुछ थे और हमेशा रहेंगे। मैं भास्कर की जगह किसी और को नहीं दे सकती मम्मी जी, किसी और को नहीं। बेटा भास्कर की जगह कोई नहीं ले सकता, ये हम भी जानते हैं। ये दुनिया अकेले इंसान को जीने नहीं देती है, और तुम्हारी उम्र ही क्या है, अकेले सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? अकेली कहाँ हूँ मैं पापा, आप लोग हैं ना मेरे साथ। बोलिए चुप क्यों है आप? बेटी कहा है ना आपने मुझे, किसी ने शायद ठीक ही कहा है, बेटियां आखिर बोझ ही होती है माँ बाप के लिए, इसीलिए उन्हें पराई अमानत समझा जाता है। जिस दिन उनकी शादी हुई उनके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म है ना? ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते, बेटी कभी भी बोझ नहीं होती माँ बाप के लिए ना, वो रिश्ता ही क्या जो दरवाजे के बाहर निकलते टूट जाए। घर से बाहर जाते हैं क्या इंसान पराया हो जाता है? बेटे ये घर तुम्हारा है। मुझे इस घर से दूसरे घर नहीं जाना है पापा, मेरी सारी यादें जुड़ी है इस घर से, मेरा भास्कर रहता है यहाँ पर, जिसने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। मुझे अब इस मांग के सिंदूर की रक्षा करनी है, उसकी लाज रखनी है। एक औरत की मांग में बार बार सिंदूर नहीं भरा जाता मम्मी जी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मम्मी जी मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे इस घर से जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। पापा, पापा अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे भास्कर के प्रोजेक्ट का क्या होगा, उसके सारे सपनों का क्या होगा? पापा प्लीज आप लोग मुझे किसी और के सपने मत दिखाइए प्लीज।